नमस्ते अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर उसके बाद बात करेंगे मैं जेस्को की मैं जेस्को की बात क्यों क्योंकि ये स्टॉक जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोज़ टू 98 परसेंट की गिरावट दिखा चुका है अब ये गिरावट बहुत बड़ी है आपको ऐसा लगता होगा लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है हम आपको समझा देंगे बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी इसलिए वीडियो जरूरी है सत्ताईस सौ अट्ठासी करोड़ रुपये कंपनी खर्च कर रही है उन्नीस का डिविडेंड देने के लिए अब पाँच रुपये पे जो कि फेस वैल्यू होती है और जो डिविडेंड दिया जाता है वो फेस वैल्यू पर ही दिया जाता है अगर पाँच रुपये आप उन्नीस हज़ार चार सौ अस्सी परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है नौ सौ चौहत्तर रुपये यानी कि ये कंपनी आपको नौ सौ चौहत्तर रुपये का डिविडेंड दे रही है अभी ये डिविडेंड किसको मिलने वाला था वही आपको समझा देंगे और ये प्राइस बारह रुपये बीस पैसे पर कैसे आगे अचानक ये भी समझाएंगे देखिए डिविडेंड के केस में आपको मैंने पहले भी शायद ये बात बताई हुई है कि एक डेट होती है रिकॉर्ड डेट ठीक है याद रखिएगा इसको एक डेट होती है रिकॉर्ड डेट एक होती है एक्स डेट एक्स डिविडेंड डेट इसको कहते हैं एक्स डिविडेंड डेट अब एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है जैसे कि आपको बताया जाता है कि इस डेट से पहले जैसे कि तेईस तारीख इस केस में था इस डेट से पहले जिसके पास स्टॉक रह होंगे उनको क्या मिलेगा डिविडेंड मिलेगा यानी कि आज जो स्टॉक लेगा वो डिविडेंड नहीं पाएगा ठीक क्योंकि वो बारह खरीद रहा है अफको सी बात है नहीं अब नौ सौ जब डिविडेंड बढ़ता है इसका मतलब क्या है लोग अब कहेंगे कि जो माल सौ रुपए में हम खरीद रहे थे मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूं अगर आप सौ रुपए में कोई चीज खरीद रहे थे ठीक वही चीज खरीदने वाले को सौ रुपए के साथ मान लेते हैं पचास रुपए का गिफ्ट मिल रहा था अब अगले दिन वही चीज खरीदने जाते हो आप और आपसे कहा जाता है अब आपको ये पचास वाला गिफ्ट नहीं मिलेगा आप क्या डिमांड करोगे आप कहोगे कि मुझे ये माल पचास में दीजिए मैं बहुत दूंगा इक्याउन दे दूंगा बहुत दूंगा बाउन दे दूंगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि कल इसी के साथ पचास रुपए का गिफ्ट मिल रहा था और आज गिफ्ट नहीं

यहां पर आप देख पाएंगे यहां पर आप देखिएगा सी मतलब क्लोजिंग ठीक यहां पर मैं कैंडल पे लेकर आ रहा हूं कितना है क्लोजिंग प्राइस नौ सौ रुपए पैंसठ पैसे मैं यहां पर नोट कर लेता हूं नौ सौ पचासी रुपए पैसठ पैसे ठीक है और जो डिविडेंड थी वो कितनी थी नौ सौ चौहत्तर रुपये अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ग्यारह रुपये पैंसठ पैसे आएगा यानी कि आज इस स्टॉक को ग्यारह रुपये पैंसठ पैसे पर खुलना चाहिए था लेकिन वहाँ पर क्या हुआ वहाँ पर भयंकर डिमांड आ गई मैं आपको डिमांड भी दिखाना चाहूँगा आप अगर डिमांड देखेंगे इस वक्त लगभग दस करोड़ शेयर्स की डिमांड लगी हुई है ये बहुत भयंकर है अपर सर्किट पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपर सर्किट किस चीज़ की मैं आपको समझा दूँ ये भी पाँच का अपर सर्किट इसमें लगा होगा यही चीज़ हाँ जी हाँ पाँच का अपर सर्किट लगा हुआ है और आप अगर देखेंगे लगभग पैंतीस और बीस यहाँ पर लगभग पचपन पैसे का अपटिक आप अगर इस एक्स डिविडेंड को हटा दिया जाए तो लगभग पचपन पैसे का अपटिक आपको यहां पर दिख रहा है दस करोड़ शेयर्स की डिमांड है यानी कि डिमांड बहुत तगड़ी है स्टॉक आगे भी ऊपर अपर सर्किट मार सकता है अब यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना भयंकर गिरे हुए स्टॉक में आपको खरीदारी के लिए लोग ललचा रहे हैं या फिर लोग कर क्यों रहे खरीदारी देखो कोई भी स्टॉक होता है जब अचानक से इतना सस्ता दिखने लगता है तो रिटेल इन्वेस्टर सबसे पहले झूम झूम करता है और उसी का फ़ायदा उठाने के लिए बड़े प्लेयर्स और ऑपरेटर्स भी घुस जाते हैं तो आपको दो चार दिन यहाँ पर तोहफा दिखाकर हो सकता है कि बढ़िया बड़ा वाला गिफ्ट दे दें जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स में मिलता रहता है तो मैं अपना फाइनल कंक्लूजन आपको देना चाहूँगा जो ये स्टॉक नौ सौ का था नौ सौ का डिविडेंड लोगों के खाते में अब चला जाएगा स्टॉक की रियल वैल्यू जो बचती है वो बचती है ग्यारह रुपये पैंसठ पैसे अब ग्यारह रुपये पैंसठ पैसे पर अब ट्रेड हो रहा है पाँच परसेंट ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है डिमांड बहुत तगड़ी है इसका फायदा आप उठा सकते हो ना मैं इसको आपको लेने की सलाह डिविडेंड के लिए दिया था ना भी दे रहा हूँ क्योंकि अब कंपनी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड है और क्या है, आगे इवेंट्स होते हैं हम सबको नहीं पता है तो नाइन्टी की गिरावट आई होप आपको समझ में आई होगी मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज में कोई सवाल हो तो नीचे कॉमेंट करके पूछिएगा वीडियो लाइक कर देना अच्छी लगी हो तो बाकी बाय बाय